सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने सदगुरु से जानना चाहा कि खुशी बांटने के लिए कोई काम करने और खुशी हासिल करने के लिए कुछ करने में अधिक महत्वपूर्ण क्या है और हमें किस चीज़ का चयन करना चाहिए। संजीव कपूर पूछते हैं, नमस्कारम सदगुरु, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम खाना पकाते हैं तो अगर हमें खाना बनाने का आनंद लेना है तो आंतरिक होता है तो मुझे अपनी खुशी के लिए खाना बनाना होगा, मगर जब आप दूसरों के लिए खाना बनाते हैं फिर आप उन्हें खुश करना चाहते हैं, कई बार इन दोनों में टकराव होता है, इस टकराव में किसे जीतना चाहिए? सदगुरु कहते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में सबसे बुनियादी बात यही है कि आप यहां इस तरह रहते हैं मानो सिर्फ आपका ही अस्तित्व है, किसी और का नहीं, क्योंकि आप हर किसी को खुद के ही रूप में देखते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होती। लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप जहां भी जाते हैं, चाहे 10,000 लोग हो या 1,00,000 लोग, आप कैसे बोलते हैं? मैं उनसे ऐसे बात करता हूं जैसे मैं खुद से करता अगर मुझे ऐसी आदत होती। यहां कोई तुम नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वह किसी तरह का भाषण या प्रवचन नहीं है, मैं बस इस तरह बात कर रहा हूं जैसे मैं खुद से बात करता, क्योंकि जब मैं अपने आसपास देखता हूं तो किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही देखता हूं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि किसी रूप में अपने अनुभव में आप सभी को खुद में शामिल करने वाले हो जाते हैं, आपके जीवन से तुलना और कंपटीशन गायब हो जाते हैं, वरना तुलना के साथ शुरू होने वाली चीज कंपटीशन में बदल जाती है और फिर बदसूरत रूप ले लेती है। जहां तुलना और कंपटीशन हो वहां खुशी जैसी जीवंत और सुंदर चीज भी बदसूरत हो जाती है। खुशी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। खुशी का मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को शानदार तरीके से अनुभव कर रहे हैं। जब आप समावेशी होते हैं यानी सबको शामिल करके चलते हैं तो आप अपने अस्तित्व को शानदार तरीके से अनुभव करते हैं, इसलिए आप आनंदित होते हैं। मैं इसलिए आनंदित नहीं हूं क्योंकि मैं सबसे अच्छा डोसा बनाता हूं या आपसे बेहतर डोसा बनाता हूं, नहीं, मैं इसलिए अधिक आनंदित होऊंगा क्योंकि मैंने आपके पकाए हुए बेहतरीन व्यंजन खाए हैं। मैं आपके रेस्टोरेंट में आने से पहले भी जबरदस्त रूप से आनंदित रहूंगा। अगर आप कोई अच्छी चीज बनाएंगे तो मैं आनंदित होकर खाऊंगा, अगर आप कुछ बुरा बनाएंगे तो मैं आनंदित होकर उसे एक और सरका दूंगा। आप अपने अच्छे या खराब भोजन से मुझे खुशी नहीं दे सकते, नहीं मेरी खुशी छीन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप और दुनिया में हर कोई ऐसा ही बन जाए जिससे आपके भीतर घटित होने वाले चीज को कोई और तय न कर सके। धन्यवाद।